एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कुछ खास है। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया था जब हमने सीआरएस बर्गर खाना का ब्लॉग डाला था, तो उन्होंने बोला था कि प्लीज हो सके तो सीआरएस कॉलोनी का भी ब्लॉग बनाइए, हमारे बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं सीआरएस कॉलोनी से। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपने क्वार्टर से निकल रही हूँ और गेट नंबर 2 की तरफ से कॉलोनी में एंटर करूंगी। इस कॉलोनी के सारे लोग गेट नंबर 2 से ही सब कुछ खरीदते हैं। गेट नंबर 2 में सारे जंक फूड के जितने स्टॉल्स हैं दोपहर को 1 बजे से रात के 10 बजे तक खुले हुए रहते हैं। इस कॉलोनी से मेरे जो सब्सक्राइबर है, पता नहीं उनके कितने सारे यादें जुड़ी हुई हैं, पर मेरी बहुत सारी यादें जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रुक्मणी आंटी का क्वार्टर है, पांडा अंकल का क्वार्टर है, सुखदेव भैया का क्वार्टर है, मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ सबका क्वार्टर इसी कॉलोनी में है, और भरत जी का भी क्वार्टर है। तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस कॉलोनी से। और ये है सीआरएस कॉलोनी का बजरंगबली का मंदिर। इस मंदिर को कॉलोनी के ही मेंबर, कमिटी मेंबर चलाते हैं। इस कॉलोनी का दुर्गी मार्केट फेमस मार्केट है, जहाँ पे गांधी स्टोर बहुत ही फेमस है। सारे सामान बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल रेट में मिलते हैं यहाँ पे, और दुर्गी मार्केट में सब कोई कॉलोनी से खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं नदी जो है, ये सीसीएल कॉलोनी का छठ घाट है। यहीं पे सीसीएल के लोग छठ पूजा मनाने आते हैं। बहुत ही अच्छा घाट बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी पानी कम है, पानी सूख गया है, पर पानी बहुत ज्यादा रहता है बरसात के दिनों में। देख सकते हो कितने अच्छे से बना हुआ है छठ घाट। इस ब्लॉग में आगे चल के आप लोगों के लिए और एक सरप्राइज है जो आपको आगे पता चलेगा। तो यही है वो सरप्राइज। तो हम लोगों ने सीआरएस कॉलोनी पूरा तरह से कवर करने के बाद अब हम लोग दामोदर नदी की ओर जा रहे हैं, जो कि रामगढ़ में ही है। तो चलिए दामोदर नदी की तरफ चलते हैं, और रास्ता मैं तो दिखाते हुए आ ही रही हूँ वीडियो में। तो चलिए दामोदर नदी की तरफ चलते हैं। बेसिकली रामगढ़ तो पहाड़ों के लिए फेमस है, जगह जगह पर पहाड़ से भरा हुआ है रामगढ़, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है और हरे भरे खेत जो कि है, मिट्टी के रास्ते बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये दामोदर की तरफ जाते हुए जो रास्ता है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, मिट्टी का है पूरा। तो फाइनली मैं दामोदर नदी पहुंच चुकी हूँ और यहाँ दामोदर पुल पे हूँ, और यहाँ से देखिए दामोदर नदी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर नदी है, पर कुछ लोग इस सुंदर नदी की सुंदरता भी नहीं रहने दे सकते। देख सकते हो जैसे कि आप ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये लोग बालू चोरी करने के लिए ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। इतना सुंदर नदी का खूबसूरती को ये लोग चुरा रहे हैं,
बालू चोरी करके ले जाके बेच देंगे। धीरे धीरे ये नदी की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे कुछ लोगों के लिए इतनी सुंदर नदी कुछ दिनों में खराब हो जाएगी। वैसे आज कुछ प्लान तो नहीं था कि दामोदर नदी आके घूमना है, वो अचानक ही मन कर गया क्योंकि सीसीएल कॉलोनी का ब्लॉग बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया और कुछ ज़्यादा था नहीं कॉलोनी दिखाने के लिए, तो रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत जल्दी पूरा हो गया, तो इसलिए दामोदर नदी घूमने के लिए आ गया। और नदी किनारे चुपचाप बैठने में जो शांति और सुकून मिलता है वो तो कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए दामोदर नदी बेस्ट है। यहाँ आराम से आके आपको सुकून ही मिलेगा, बैठ सकते हो और नदी भी बहुत सुंदर है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और नदी को देखते हुए आज के ब्लॉग से अलविदा लेते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।